नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्वाति। फटाफट नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। लद्दाख में शहीद का गृहग्राम में हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए उमरा जनसैला। मुरैना जिले के अंबा निवासी विवेक सिंह तोमर टेंट में आग लगने से हुए शहीद। रीवा जिले के मनगवा में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में आया नया मोड़। परिजनों ने अलग अलग बयान पर पुलिस ने शुरू की जांच। आत्महत्या की संभावना। एक दिन पहले घर में लगी आग से मासूम बच्चे के साथ जली थी नवविवाहिता। आयुर्वेद क्लिनिक में बदमाशों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। 5,000 नकदी सहित लगभग 25,000 कीमती दवाइयां चोरी। चौराहा थाना क्षेत्र के मैदानी गांव में हुई घटना। एक्सयूवी कार में लोड 1000 सीसी नशीली कप सिरप पुलिस ने किया बरामद। पुलिस को देखकर भागे आरोपी। रीवा जिले के लौर पुलिस ने बाईपास मुख्य मार्ग में दबिश देकर की कार्यवाही। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला हुआ दर्ज। चंडीगढ़ में आवारा कुत्ते को खाना खिला रही लड़की को कार ने रौंदा। CCTV कैमरे में कैद हुई घटना। घटना के बाद चालक हुआ फरार। घायल की पहचान तेजस्विता कौशल निवासी सेक्टर 51 के रूप में हुई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में BJP जिला मंत्री बुधराम कतराम का सब संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ बरामद। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे BJP नेता। हत्या की आशंका। BJP नेता के सिर पर है चोट के गंभीर निशान। पचमढ़ी स्थित सेना प्रशिक्षण कोर में ट्रेन कैप्टन के द्वारा खुदकुशी करने का मामला आया सामने। सैनिक सरताज सिंह कारला का सब AC सेंटर के ऑफिस में फंदे पर लटका हुआ बरामद। पुलिस जांच में जुटी। गोरखपुर जिले के कैंट इलाके में बेतिहाता दक्षिण में हॉस्पिटल के पास कूड़ेदान में मिला भ्रूण। क्षेत्र में फैली सनसनी राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। भ्रूण कहां से आया, किसने फेंका, इसकी जांच कैंट पुलिस के द्वारा CCTV कैमरे की मदद से की गई शुरू। शूटिंग के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस की कार को दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर। मचा हड़कंप। हादसे में कश्मीर फाइल की अभिनेत्री पल्लवी जोशी हुई घायल। हैदराबाद अपनी नई फिल्म द वैक्सीन वॉर की शूटिंग कर रही थी अभिनेत्री। भोपाल में हो रही Think20 की बैठक में मंगलवार को व्यापार और मूल्य श्रृंखलाओं में नए पूर्वकों सहित कई विषयों पर विशेषज्ञों ने किया विचार विमर्श। 2 दिवसीय बैठक के समापन दिवस पर ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल गवर्नेंस फॉर लाइफ विषय पर गोलमेज बैठक का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम में 22 देशों के 94 विदेशी मेहमानों समेत करीब 300 प्रतिनिधि और विशेषज्ञ ले रहे हिस्सा। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्कूली बच्चों एवं जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने और प्रचार प्रसार के उद्देश्य 19 जनवरी को आयोजित होगी साइंस मैराथन। मैराथन का आयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से किया जा रहा आयोजित। 3.5 किलोमीटर की मैराथन TT नगर स्टेडियम से शुरू होगी और मेनिट कैंपस में होगा समापन। मध्य प्रदेश में ठंड का सितम जारी। कई जिलों में तापमान लगने से बड़ी कड़ाके की ठंड। लगभग 20 शहरों में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। दमोह, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उमरिया, भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, पचमढ़ी, रायसेन, राजगढ़, रतलाम और उज्जैन में 10 डिग्री सेल्सियस से कम पारा हुआ दर्ज। प्रदेश में सबसे ठंड 2 डिग्री सेल्सियस पारे के साथ रहा नौगांव। राजधानी भोपाल में रात का पारा 7 डिग्री हुआ दर्ज। भोपाल में लगातार दूसरी रात्रि इतनी रही सर्द। अमिताभ बच्चन मंगलवार को निपनिया स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के शुभारंभ कार्यक्रम में हुए शामिल। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ अनिल अंबानी, टीना अंबानी भी पहुंचे। मुंबई के अस्पताल को क्लिनिकल एक्सीलेंस के अपने उच्च मानकों के लिए लगभग 14 वर्षों से प्राप्त मान्यता। इंदौर की निपनिया में शुरू हुआ नया अस्पताल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब में 6वें दिन 2 जगह सुरक्षा में लगी से 2 युवकों को लिया गया हिरासत में। पंजाब में राहुल गांधी को ज्यादातर यात्रा गाड़ी से करने की दी गई है सलाह। इतना ही नहीं, अन्य राज्यों के मुकाबले अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा कराई गई है मुहैया। इसके बावजूद सुबह 2 बार उनकी सुरक्षा में सेध लगाने का मामला आया सामने। युवक सुरक्षा चक्र तोड़ते हुए सीधा राहुल के पास पहुंचे और उन्हें लगाया गले। दिन दहाड़े युवती का अपहरण कर रहे थे हथियारबंद बदमाश। तभी फिल्मी स्टाइल में आया व्यापारी और बचाई जान। आरोपी युवकों ने चाकू की नोक पर कार में खींचकर बैठाने का कर रहे थे प्रयास। एकत्र भीड़ ने एक बदमाश को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। झांसी रोड थाना क्षेत्र स्थित चेतकपुरी तिराहे की घटना। हॉस्टल में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही छात्रा का अपहरण का प्रयास। मंगलवार को जनसुनवाई में आत्मदाह का प्रयास। युवक ने खुद पर डाला पेट्रोल। ग्वालियर कलेक्टर की जनसुनवाई में हुआ हंगामा। मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को रोका। युवक को पट्टे में दी गई थी जमीन लेकिन युवक सड़क के पास मांग रहा था जमीन। इसी बात पर नाराज होकर पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास। 1 सप्ताह पहले इसी जनसुनवाई में सुनीता आदिवासी नाम की महिला ने भी किया था इसी तरह आत्मदाह का प्रयास। MP के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने युवक के कीचड़ में सने हुए धोए पैर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की हालत है खराब। कई कॉलोनियों में सीवर लाइनें डालने के लिए खोदी गई हैं सड़कें। इसके पहले शहर की 3 बदहाल सड़कों को सुधारने के लिए खुद त्यागे थे जूते फिर भी नहीं बदले हालात। ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन का किसानों ने रुकवाया काम। नौकरी न मिलने के चलते पीड़ित काम रुकवा कर कर रहे नौकरी की मांग। रीवा सिगरौली के बीच बिछाई जा रही रेलवे लाइन का गोविंदगढ़ में शांतिपूर्ण ढंग से रोक दिया गया काम। उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर में बाहर के डॉक्टरों के सहारे चलने वाले निजी अस्पतालों में आम आदमी के जीवन से हो रहा खिलवाड़। भदोही के जमुनीपुर कॉलोनी स्थित निजी अस्पताल में एक महिला की और जिंदगी चढ़ी। व्यवस्था की भेंट। महीने भर में 3 मौतों ने
हर किसी को झकझोरा। 20 लाख की आबादी वाले जिले में 2 जिला अस्पताल, 66 सीएससी और 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित। इसके अलावा 100 से अधिक नर्सिंग होम, निजी अस्पताल हो रहे संचालित। आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल के आसपास के क्षेत्र स्थित 500 दुकानों को हटाने की आगरा विकास प्राधिकरण के फरमान पर रोक। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने लगाई रोक। यूपी सरकार से कहा, अगर आप उनका पुनर्वास नहीं कर सकते तो क्यों ना वहीं रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत। सड़क हादसे में घायलों की जान बचाने वाले 22 लोगों को मिला सम्मान। 16 स्वयंसेवी संस्थाएं भी शामिल। रायपुर में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम। अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को नेक व्यक्तियों के रूप में किया गया सम्मानित। रायपुर में गैंगवार के बाद डबल मर्डर। लेडी डॉन के साथ विवाद की रंजिश चले चाकू। गोकुल नंदन साहू नाम के युवक ने गोकुल निषाद और जितेन धोपकर किया ताबड़तोड़ हमला। दोनों मृतक मुंगेली जिले के रहने वाले दलदल सिवनी में किराए के मकान पर रहकर कर रहे थे मजदूरी। दिल्ली के कोतवाली थाना इलाके में कार सवार ने पुलिसकर्मी की बाइक पर मारी टक्कर। पुलिस ने कार सवार को कार सही से चलाने की दी हिदायत। तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुजरात पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, गोखले की गिरफ्तारी के बाद गुजरात पुलिस ने दिल्ली में बंगाल सरकार के गेस्ट हाउस से अवैध रूप से सीसीटीवी फुटेज की जब्त। कहा, इस काम में दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस की थी मदद। बक्सर में पिछले लगभग 3 महीनों से मुआवजा राज के लिए चला किसानों का आंदोलन। समर्थन देने उतरी भाजपा सड़क पर। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता परशुराम की हुई अचानक मौत। दिल्ली में मनी ट्रांसफर सेंटर में लूट का मामला आया सामने। बदमाशों ने मनी ट्रांसफर सेंटर संचालक से 2.25 की थी लूट। साथ ही उस पर गोली चला दी। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी स्थिति बताई जा रही स्थिर। बेंगलुरु में हिंदू संगठन श्री राम सेना की धमकियों के बाद बेलगावी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मस्जिद को खाली कराने का दिया आदेश। रिपोर्ट के मुताबिक विवादित फातिमा मस्जिद को हिंदू संगठन के प्रमोद मुतालिक ने ढहाने की दी थी धमकी। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। नमस्कार।